भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। हाँ हाँ, हम आपको रीजन बताते हैं। पहला रीजन है उनकी फिल्म बॉर्डर। बॉर्डर का फर्स्ट लुक जब से रिलीज हुआ है, निरहुआ को चारों तरफ से वाहवाही मिल रही है। अब दूसरा रीजन कुछ खास है। खास इसलिए कि निरहुआ ने पहली बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने भाभी की फोटो मदर्स डे के मौके पर जैसे ही निरहुआ ने ये फोटो पोस्ट की, पोस्ट होते ही ये फोटो वायरल हो गई। लोगों में ये जानने की होड़ सी मच गई कि निरहुआ और उनके माँ के साथ जो खूबसूरत सी महिला खड़ी है वो कौन है। तभी निरहुआ ने सबकी क्यूरियोसिटी शांत करते हुए लोगों को ये बताया, महिला जो उनके माँ के साथ फोटो में खड़ी है वो और कोई नहीं, उनके रिश्ते की भाभी रीना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि माँ और चाची के अलावा अपने घर की किसी और लेडी का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वैसे हम कहना चाहेंगे कि निरहुआ की भाभी वाकई में काफी खूबसूरत है। वैसे निरहुआ इन दिनों अपनी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और बॉर्डर को लेकर भी काफी चर्चाओं में है। पिछले साल सुपरहिट फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इस बार कोलकाता में हुए अवार्ड शो में भी उस फिल्म ने काफी बाजी मारी, यानी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को ढेर सारे अवार्ड मिले। इस वक्त निरहुआ पे ये कहावत सबसे फिट बैठ रही है कि निरहुआ की 10 उंगलियां हैं घी में। चलते चलते आपको बता दे कि निरहुआ इन दिनों गाजीपुर यानी कि अपने पैतृक गांव में है और मदर डे के मौके को उन्होंने अपनी माँ के लिए बनाया बहुत ही खास। वो गाजीपुर के एक कॉफी हाउस में भी गए अपनी माँ के साथ कॉफी पीने। वैसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सुपरस्टार अपने माँ के काफी क्लोज है। भोजपुरी जगत की अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।